एक मिनट में बताता हूँ। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जम्मू और कश्मीर के बीच कोई विभाजन और कोई भेदभाव मेरे रहते हुए नहीं होगा। एक कोई अगर नीचे करना चाहेगा तो वो असहनीय होगा, इट इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। दूसरी बात, श्रीनगर या बाकी कॉरपोरेशंस की बात आपने की है, मैंने पहले दिन चर्चा में कहा था कि मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, कुछ योजनाएं बनाने में हम लगे हैं, तो जो योजना बनी है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इंतजार करिए, श्रीनगर शहर हो, जम्मू शहर हो या बाकी शहर हो, चाहे वो डल लेक हो या वुलर लेक हो, इन सब पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के हम आपके बीच आएंगे। लेकिन हम ऐसा कोई काम लेकर के नहीं आना चाहते हैं कि उसमें फिर आप कहें कि साहब ये तो आधा अधूरा है। इंटीग्रेटेड वे में ये कैसे ठीक होगा, कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं, देश के मैं कहूं कि एक्सपर्ट्स इसमें लगाए गए हैं, एक बार वो बन जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी बन जाएगा। पूरा डिटेल में बताता हूं कि ये 15-16 महीने से यहाँ की इंडस्ट्री और यहाँ का व्यापार प्रभावित नहीं है। मैं मानता हूं कि पिछले 15-20 साल से यहाँ का व्यापार प्रभावित है, और कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बहुत जल्दी, आज जैसे हम प्रेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब हफ्ते भर के अंदर ही उसकी प्रेस हम आपसे करेंगे। और एक बात मैं कह सकता हूं कि ऐसा पैकेज न कभी जेएनके को मिला था, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद भविष्य में ही मिल पाएगा। मैं आपको बताता हूं कि मैंने पहले ही कहा कि अभी जो योजना बनी है उसको हमने आपके सामने रखा है। एक अभी साथी ने सवाल किया था श्रीनगर का, तो म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशंस के लिए भी हम कार्यक्रम बना रहे हैं, जब बन जाएगा तो आपके बीच आएंगे। जहां तक उन फैमिली अग्रीव फैमिली का सवाल है, उस पर जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती थी, सेना अपनी अलग जांच करा रही है, हमारे प्रशासन ने अलग जांच कमेटी उसमें बैठा दी है। एक बात मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ पूरी तरह से न्याय होगा और कोई उनको इंसाफ मिलेगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।